हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज नई सुबह, नई उमंग, नए तरंगों के साथ दोस्तों आप लोगों को एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को तमिलनाडु के खेतों का सैर कराऊंगा, जंगलों का सैर कराऊंगा। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझसे कहा है कि आज चलते हैं हमारे खेतों के तरफ, घूम के आएंगे। तो मैंने भी प्लान किया चलो आज हमारे व्यूअर्स को तमिलनाडु के खेतों का, जंगलों का सैर कराते हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, मैं सीधे आप लोगों को मिलाता हूँ मेरे दोस्त के खेतों में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। और दोस्तों मैं भी ठीक हूँ, अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ। तो हम लोग आ गए हैं उनके खेतों के तरफ। सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है उनके खेत में। खेत तो क्या बोलेंगे, यहाँ पहाड़ ही पहाड़ है, थोड़ा बहुत खेती भी है। तो ये छोटा सा एक मंदिर है उनके लैंड में, पर्सनली बनाया हुआ है। ऐसे बड़े बड़े पत्थर रहता है इधर तमिलनाडु में। वो देख रहे हैं पीछे, मेरा वो दोस्त खड़ा है पत्थर के ऊपर चढ़ रहा है। शशि, ओ शशि, क्या जी देख रहा है। तो दोस्तों ये शुरू हमने यहाँ से किए हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ का दृश्य ऐसा है और आगे चल के दिखाएंगे आप लोगों को क्या क्या है उसके खेतों में। तो सीताफल तोड़ के ला रहा है, ये पकने में तो घर में रखने से भी पक जाएगा ना। देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे दोस्त है शशि कुमार, और आज हम लोग सैर कर रहे हैं इनके खेतों का। एक पका हुआ सीताफल मिल गया दोस्तों, हमारे नसीब में था वो, फिर खाएंगे उसको, फिर चलेंगे आगे। आ जाओ सतीश, आ जाओ, मैं तो ऊपर चढ़ नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि देख रहे हैं मेरे दोनों हाथों में स्टिक रहता है दोस्तों, तो चलते चलते भी ब्लॉक बनाना मुश्किल होता है। तो कहीं पे खड़े हो जाते हैं फिर ब्लॉक बनाते हैं, लेकिन बनाते हैं दोस्तों, जिंदगी से हार तो मानेंगे नहीं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, अभी नहीं तो फिर कभी। लगे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं हर सेक्टर में, लेकिन देखते हैं सक्सेस कहाँ मिलती है और कब मिलती है। कहते हैं ना दोस्तों, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, ये हमारे गीता में लिखा हुआ है ना, गीता में ही लिखा हुआ, श्री कृष्ण ने कहा है ना, फल का कर्म करते जाओ, फल का चिंता मत करो। तो कर्म करोगे तो फल कभी ना कभी मिल ही जाएगा। तो दोस्तों इसलिए लगे हैं हम भी, आज नहीं तो कल सक्सेस तो जरूर मिलेगी, मिलना भी चाहिए दोस्तों। कहते हैं ना कि आप अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात एक हो जाती है वो आपको मिलाने के लिए। दोस्तों लगे हैं हम भी, और कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पे हमारे सक्सेस हमारा इंतजार कर रहा होगा, बस हमें चलते जाना है और चलते जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, सीताफल लेके आ गया हमारे दोस्त, देख रहे हैं पका हुआ, खाने में काफी टेस्ट होता है ये, खा के देख रहे हैं। ये दोस्तों खा के देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। देखिए दोस्तों ये खा के देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। अच्छा है ना, बहुत स्वीट स्वीट है। तो दोस्तों खा लिया मैंने सीताफल, काफ़ी टेस्टी था। अब चलते हैं दोस्तों आगे। ये है उनका टेम्पल। किस चीज़ का टेम्पल, कौन से भगवान का टेम्पल है ये शशि? इसको
क्या बोलेगा क्या वो अंदर में मेरा रूम के जाए ना हाँ वो साथ में एक टेम्पल है ना हाँ गंगा गंगा मैया जिसको बोलते हैं वो गंगा नहीं फिर दूसरा है ना इस साइड में तुम्हारे शॉप का इस साइड में जो टेंपल है वो हाँ वो तो मुझे भी पता नहीं यार साउथ में दोस्तों पता ही नहीं चलता कौन कौन सा टेंपल है क्योंकि रावण का थोपड़ा हर जगह दिखाई देता है वो देखिए ये टेंपल के ऊपर भी रावण का थोपड़ा ही है जैसे लग रहा है ये देखिए दोस्तों आप लोगों को मैं करीब से दिखा रहा हूँ वो भूत का जैसे एक वो देख रहे हैं वो ये हर एक घरों में रहता है हर एक टेंपलों के ऊपर लगाया जाता है पता नहीं क्या है ये मुझे तो पता नहीं आप लोग बताइएगा अगर आप लोगों को पता है ये क्या है तो चलो दोस्तों अब हम चलते हैं आगे ऐसा रास्ता है हम लोगों को मैं फ्रंट कैमरा से बैक कैमरा से दिखाता हूँ ये देखिए हम लोग कैसे जगह पे आए थे ये पूरा लैंड इसी का है ये देख रहे हैं आप लोग वो आगे से इधर पूरा इसका है पूरा खाली खाली एरिया है मेन रोड काफी सामने है ज्यादा दूर नहीं है पुदीना की खेती है दोस्तों पुदीना की खेती बहुत होती है तुम्हारा ही ये भी उसी का ही है देखिए मेन रोड हम लोग निकल गए देखिए दोस्तों तमिलनाडु में मैं आप लोगों को खेतों का सैर करा रहा हूँ गांवों का सैर करा रहा हूँ गांवों का जो वातावरण होता है दोस्तों काफी अच्छा होता है ये देखिए कितना नारियल का पेड़ नीचे पुदीना फार्मिंग ज्यादा होती है दोस्तों यहाँ पे पुदीना भी तगा ले ये किस चीज का है ये टमाटो ये हाँ टमाटो वाला है ना टमाटो हाँ ये देखिए दोस्तों टमाटो की खेती कैसे करके लगाए टमाटो नहीं भी इसको क्या टमाटो भी है ना इसका टमाटो भी है ना टमाटो नहीं है ये क्या बोलेगा तुम वाला लैंग्वेज में कैसे होता है ये बताओ थोड़ा इसको अंदर में आए ना मैं इसको बोलेगा क्या बोलेगा थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है दोस्तों अब इनके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो बता नहीं पा रहे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोलते हैं इसको बड़ा है ना आगे चल के देखते हैं फिर आप लोग दिखाते हैं क्या है दोस्तों ये बैंगन है इधर से दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को ये पीछे लगा हुआ है ये बैंगन है वैसे थोड़ी बहुत हर चीज की खेती करते हैं लेकिन ज्यादातर यहाँ पे पुदीना की खेती होती है अभी हम लोग गांव को छोड़कर फॉरेस्ट के अंदर आ गए फॉरेस्ट तो नहीं है छोटा सा एक जंगल है ज्यादा बड़ा नहीं है अंदर आ गए हैं अब यहाँ से निकलेंगे तो फिर शायद और गांव मिलेगा हाँ गांव ही है फॉरेस्ट पर नहीं है छोटा छोटा फॉरेस्ट है ये दोस्तों हम लोग घूम रहे हैं आप लोगों को जंगल जंगल खेत खेत दिखा रहे हैं वीडियो कैसा लगेगा जरूर बताना दोस्तों सबसे पहली बात दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए आप लोगों का सपोर्ट का बहुत जरूरी है दोस्तों ठीक है दोस्तों हमें हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप लोगों का सपोर्ट मिले तो हमारा मनोबल जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा और भी वीडियोस बनाने के लिए दिल करेगा दोस्तों हम लोग जा रहे हैं एक नदी है बोल रहा है मैंने तो कभी नदी देखा नहीं यहाँ पे चलते हैं नदी कैसा है उसको भी देख के आते हैं ये दिखाई दे रहा है नदी तो मेरे ख्याल से नहीं है ये कुछ पानी भरा हुआ डैम ऐसा कुछ होगा
ना। ये दोस्तों नदी बोल के लेके आया मुझे, नदी तो है नहीं ये नदी में, क्योंकि नदी नदी ही होता है, लेकिन इतना सारा पानी यहाँ पे भरा पड़ा है। ये स्टॉक है यहाँ पे पानी, बहुत बड़ी एक तालाब है, तालाब बोलेंगे इसको, नदी तो नहीं है। जो भी है अच्छा है, अच्छा लगा यहाँ देखकर। ये देखिए दोस्तों, ये एक वाटरफॉल्स का जैसे लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली डैम ही बनाया गया है पानी स्टॉक करके रखने के लिए, सिंचाई के खेतियों में सिंचाई के लिए शायद इसको पानी को स्टॉक करके रखा हुआ है, अब पता चला मुझे फाइनली। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सूरत आगे का नजारा ऐसा है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए सूरज कैसा दिख रहा है, डैम है दोस्तों ये, नदी नहीं है, डैम है। बहुत मस्त नजारा है, लेकिन चलो अब चलते हैं आगे। इस साइड से काफी अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है ये चट्टान, है ना सुंदर, काफी बेहतरीन जगह। दोस्तों ऐसे ऐसे जगह मैं आप लोगों को दिखाते रहूंगा, बस आप लोग अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए, आपका सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। चलो सतीश दोस्त आगे। देखिए दोस्तों तमिलनाडु के गलियों में, खेतों में, चट्टानों में घुमा रहा हूं मैं आप लोगों को। मेरे दोस्त का कॉल भी आ गया। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।